मुझे लगता है आप एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कौन नहीं जानता, खासी मशहूर शख्सियत है। मैंने आधे से ज्यादा शहर जानता है, लेकिन अलबत्ता वो अलग बात है, जो इनके साथ होते हैं वो इन्हें नहीं जानते। फाइज, ये यहां क्या कर रही है? हमारे फैमिली के फंक्शन में ये क्यों आई हुई है? आई एम सॉरी मैडम, ये मेरी असिस्टेंट हैं, आप किस तरीके से बात कर रही हैं? मुझे नहीं पता आप लोगों का आपस में रिश्ता क्या है, बट शी वर्क्स फॉर मी एंड शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कैसे बात कर रही हैं? आई थिंक ये ठीक कह रहे हैं, हम वाकई इन्हें नहीं जानते। ये महज अपनी कंपनी की एम्प्लॉय के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं, एंड आई थिंक दैट्स फेयर। आजाद कर दो ताकि तुम अपना नया शिकार फांसने से पहले कानूनी और जायज रास्ता इख्तियार कर सको। मुझे तो तुम्हें ऐसे देखते हुए भी दुख हो रहा है। बिल्कुल सही सोचा तुमने फैज, बिल्कुल ठीक फैसला किया है। कर दो इसे आजाद, दे दो इसे तलाक। ये लड़की इस काबिल नहीं है कि तुम्हारा नाम इसके नाम के साथ जोड़ा जाए। मौलवी साहब रुक जाइए, ये निकाह नहीं हो सकता। सलमान, आपने इतना बड़ा धोखा दिया है, आपको अंदाजा है? हम बैठकर आराम से बात कर लेते हैं ना सलमान। आपको लगता है कि मैं अभी बैठ के बात करूंगी? चलो बकास। तुम इंतजार कर रही होगी कि कब फाइज घर आए और कब तुम उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दो, है ना? जी। लेकिन तुम उसे ये खबर दोगी नहीं। क्यों? ये खबर सुनने का पहला हक फाइज का है मम्मी। तुमने इस बात से कब इनकार किया? देखो, इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए तो कोई बड़ी सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए ना, ताकि तुम इस खुशखबरी को सजा सवार कर उसे पेश कर सको।
ये बच्चा कहाँ से आ गया? और अगर ये बात सच है तो तुमने छुपाया क्यों? ये क्या कह रही हैं आप? आप लेके गई थी मुझे डॉक्टर के पास, आपने कहा था कि फाइज को नहीं बताओ। मम्मी आप फाइज को बताएं प्लीज। फाइज तुम्हारे डैडी कहाँ है? सब कुछ खत्म हो गया मम्मी, सब कुछ। हम लोग आसमान से जमीन पर आ गिरे हैं। डैडी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उनकी जमानत के कोई चांसेस नहीं है। हमारे खिलाफ बहुत मजबूत केस बनाया है, हमारे अकाउंट सीज हो चुके हैं, हमारी फैक्ट्री सील हो चुकी है, हमारे लॉकर्स, हम उनको भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट ने वो भी सील कर दिया। और हमें अपना घर जल्द से जल्द खाली करना होगा क्योंकि रायान भाई और डैडी ने जो भी लोन्स लिए थे बैंक से वो रकम वापस करने के लिए अब ये सब कुछ नीलाम होगा। This is the truth. बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब कुछ हमारा है, सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं नायबा, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं आप। नायबा मेरी बहन से मारो, सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब हमारा है, डैडी ने बनाया था ना भाई। नायबा हमारा हक है मम्मी, सब कुछ हमारा। संभालो खुद को, सब कुछ तो बर्बाद हो गया मेरा आपकी वजह से, सब कुछ आपका किया दर है। मेरी बारात वापस चली गई, मेरी शादी। संभालो खुद को, ऐसे ऐसे हौसला नहीं हारते।